हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लर्नर टॉप और यह है हमारा नया प्रोग्राम सोशल लिस्ट। यहाँ पर हम आपको बताएंगे दिन भर सोशल मीडिया पर चले हैशटैग के व्यापार के बारे में, बात करेंगे ट्रेंड के, टंटों की, वायरल बकैतियों की और ग्लूगन से 5 मिनट में बनने वाले हथियारों की, ट्रोल पीड़ित परिवारों की, स्क्रीनशॉट के मारों की, ग्लूगन वाला माइनस कर लेना, उसकी बात नहीं करेंगे। अब मुझे पता है आप कहेंगे इसमें खास बात क्या है, सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर तुम ये बताओगे कि सोशल मीडिया पर ही क्या चला। तो ऐसे तमाम लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये स्कीम तुम्हारे लिए है ही नहीं। खैर, क्लीशे बातों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्विटर के उन महान मुद्दों की जो आज दिन भर ट्रेंड हुए, और अगर हम अभी उनकी बात नहीं करेंगे तो मानव सभ्यता हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। कई चीज़ें चली, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है तो गेट वेल सून सर ट्रेंड हो पड़ा। शिवसेना के पर्सनल मिर्जा गालिब संजय राउत ट्रेंड हुए क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पिता की दूसरी शादी के दावे किए, कहा कि इसी कारण उन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे। परिवार वालों ने इसे झूठ बताते हुए मानहानि का केस करने की तैयारी कर ली। वहीं संजय राउत ने अंकिता लोखंडे को लेकर भी कुछ बातें कही थी तो ट्विटर वालों ने कहा, नहीं बढ़िया है, खेल लो, बन जाओ सब रिलेशनशिप के एक्सपर्ट ही बन जाओ। अभी कुछ दिन पहले सब शेरलॉक होम्स के इंटर्न बने थे, अब सब सीमा आंटी बनने पे तुले हैं। इसके साथ ही ट्रेंडित होती नजर आई ट्रिपल के, कु क्लक्स क्लैन नहीं करीना कपूर खान, क्रिसमस 2021 में फॉरेस्ट गम का बॉलीवुडिया ट्रांसलेशन लाल सिंह चड्ढा आने वाली है। खबर आई कि आमिर खान तुर्की की ओर उड़ गए हैं बची हुई जो शूटिंग है उसको पूरा करने के लिए। ऐसे में खबर आने पर नेपोटिज्म की टेक लगाकर करीना का नाम ट्रेंड होने लगा। एक वीडियो भी उनका किसी जर्नलिस्ट से बात करने का चला जिसमें वो ये कह रही थी कि जो दर्शक होते हैं वही स्टार किड्स की फिल्म देखते हैं, वही उनको स्टार बनाते हैं, तो अगर किसी को नेपोटिज्म से दिक्कत है, स्टार किड्स से दिक्कत है, तो उनकी फिल्में देखने ना जाएं। बदले में लोग उनकी फिल्मों की कमाई के आंकड़े ले आए और डाल दिया और स्क्रीनशॉट एकदम भर दिया, मतलब और कहा कि वैसे भी कोई क्या करीना की फिल्में देखने के लिए नहीं जाता। कुछ लोग तो देश काल और परिस्थितियों से बहुत आगे चले गए, बोले कल को तैमूर की फिल्में भी आएंगी, बच्चे की फिल्में आएंगी, उनको भी इग्नोर कर देना है। ये वाला लॉजिक बहुत सही लगा मुझको, मतलब भरोसा आपको लौटती सांस का नहीं है लेकिन वॉशिंग पाउडर जो है वो आप 20 साल बाद का खरीद रहे हैं, ना माने आप। पर फिर आई एक चीज जिस पर आज सबसे ज्यादा गदर कटी और वो थी पतंजलि IPL। देश के बहुत बड़े बिजनेसमैन स्वामी रामदेव की कंपनी है, पतंजलि नाम है उसका, उसका नाम जोड़ा जा रहा है IPL से। वजह यह है कि चीन से चले चलित दूरभाष यंत्र निर्माता कंपनी वीवो ने IPL के इस भाग के प्रायोजक हैं बनने से पैर पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में दो चीजें नजर आई, गाली देता मीका और बिल्ली के भाग से टूटा छींका, यानी बाकी की कंपनियों को भी स्पॉन्सर बनने का अवसर नजर आने लगा। आपदा अवसर वाली लाइन यहाँ पे फिट कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। एक अखबार है इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमी का टाइम चाहे जितना खराब हो अखबार सही काम कर रहे हैं, तो उस अखबार से पतंजलि के प्रवक्ता ने बताया कि हम टाइटल स्पॉन्सर बनने की सोच रहे हैं, उम्मीद करता हूँ ये IPL के स्पॉन्सर वैसे ही बन जाएंगे जैसे इनने कोरोना की दवाई बनाई थी। खैर, दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, जो छूटा वो था मीम्स का रेला, मेमेबाजों ने मार मार कर पतंजलि जो स्किप भर दिया सोशल मीडिया, यार पूरा सोशल मीडिया पर मीम ही मीम। कई खिलाड़ियों की योगा करती तस्वीर डाल के लोगों ने दिखाया कि पतंजलि IPL की तैयारी कर रहे हैं ये खिलाड़ी। लोगों ने जियो का रिएक्शन भी दिया, दिखाया कि क्या वो पीछे रह जाएंगे। वैसे हर मौके पर ये जॉब छोड़ दूँ वाला मीम जो आप डालते हैं ना, ये डाल देखता हूँ जब मैं, तो सोचता हूँ कि ट्विटर वाले कहाँ तो बाकी सबको नॉर्मी समझते हैं और खुद हर बात पे सेम जोक मारते हैं। किसी दिन कोई इनको आएगा ओके बूमर बोल के चला जाएगा, फिर कहते रह जाएंगे कि ऐसा वैसा हो गया। लोगों ने यह भी बताया कि कैसे वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे और हालात बदल जाएंगे। चीयर लीडर्स जब चौका लगेगा, बाउंड्री लगेगी तो कपाल भांति करेंगी और हर विकेट के बाद अनुलोम विलोम करेंगे, और बताया कि जब मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा तो उसमें बाबा जी वाला टूथपेस्ट दिया जाएगा। और तो और कुछ लोगों ने चीयर लीडर्स की तस्वीरें मिला दी, ये देखिए रमेश श्रीवत्स जिनकी प्रोफाइल फोटो देखकर पिछले 1000 साल से हम सबको सेम धोखा होता है कि इस वेरीफाइड अकाउंट ने पैरोडी अकाउंट की तरह कांचा जीना की कुटिल मुस्कान वाली फोटो क्यों लगा रखी है। उन्होंने लिखा कि ऐसा हुआ तो मैं भी शीर्षासन किया करूंगा और RCB को टेबल में सबसे ऊपर देख सकूंगा।
और सबसे मज़ेदार थी वो तस्वीर जिसमें खिलाड़ियों को ट्रॉफी की जगह लॉकी लिए खड़े दिखाया गया। वैसे अपडेट करने के लिए बता दूं कि अब बाबा रामदेव लॉकी पर उतना फोकस नहीं करते, गिलोय पर वो शिफ्ट हो गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन वो कोरोनिल जैसे ही कुछ ऐसा स्पेस शटल या रॉकेट वगैरह चलाने के लिए कोई गिलोय वाला ईंधन भी लॉन्च कर देंगे। अब बात करते हैं फेसबुक की, और वहाँ चल रहा है एक ही वीडियो, बिहार के महाराजगंज से लोकसभा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का। बाढ़ है, कोरोना है, सांसद जी अपने लाव लश्कर के साथ, समर्थकों के साथ बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे थे। जनता ने दौड़ा लिया, कुर्सी वर्सी चलने लगी। वीडियो जो है वो अब मारपीट का झगड़े का वो वायरल हो रहा है, आप वीडियो देखिए। लोग कई किस्म की बातें कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि बाढ़ को जब 20 दिन बीत गए तब इनको आने का समय मिला, या फिर ये चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, ऐसी वाली शिकायतें भी सुनने को मिली। शायद जो है इमरान प्रताप गढ़ी वो भीड़ तंत्र के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार बताते मिले। कुल जमा बहुत सी बातें कही जा रही हैं। एक धड़ा ऐसा है जो पिटने वालों को ही गलत बताने में लगा है। लोगों ने भीड़ की इस हरकत को मॉब लिंचिंग वाली मानसिकता भी बताया। वहीं कुछ लोग हैं जो चुटकी लेने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के अपने फ़ायदे होते हैं, लोग नेताओं को पीटने के लिए भीड़ बनकर तो नहीं आते हैं। चुनाव प्रचार की ऐसी ही एक तस्वीर आई न्यूजीलैंड से, और हमारे यहाँ वाले लोग बम बम हो गए एकदम से। खबर यह चली 100 दिन से वहाँ कोरोना का केस ही नहीं आया है, इसलिए इस मौके पर जैसिका अर्डन मंदिर गई थी, छोलापुरी खाती भी दिखी, तस्वीरें भी आईं। अब जिनकी श्रद्धा थी और जिनको बहुत इनमें चाव रहता है वो एकदम बम बम हो गए, जबकि सच ये था कि एक आध महीने में चुनाव होने वाले हैं वहाँ, और वहाँ भारतीयों की आबादी भी भरपूर है इसलिए मंदिर गईं। भाई एक फकीरी तो उनमें भी होनी चाहिए। बाकी 100 दिन से कोरोना के केस ना आने वाली बात भी उतनी सही नहीं है, क्योंकि इक्का दुक्का केसेस वहाँ अभी भी आ रहे हैं। तो जो लोग बाहर देश की फोटो देख के फालतू में अपने घर से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं वो थोड़ा थम जाएं। आज के सोशलिस्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। लेकिन जाने के पहले आखिरी बात, हमारा शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। कोई भूल चूक रह गई हो तो माफ़ी, आज पहला शो था, कई चीज़ें हमारे लिए खुद भी नई थी। हो सकता है मोदी जी की जगह विवेक ओबेराय की फ़ोटो लग गई हो, या फिर किसी फ़ोटो में RCB IPL जीतती नज़र आ गई हो। अगर ऐसी कोई भूल चूक हो गई हो तो भूल चूक लेनी देनी में जाएगा वो। कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। हमारा फेसबुक पेज आप लाइक कीजिए, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारा एंड्रॉयड ऐप भी है उसे भी इंस्टॉल कीजिए। हम चलें।